दिस इज़ आर ग्रेविटी मशीन, इसमें अगर आप देखेंगे तो लीडिंग फॉइल है, ठीक है, और यहाँ स्लाइस केबल है। दिस इज़ द प्री हीटिंग स्टेशन, प्री हीटिंग के बाद फॉर्मिंग स्टेशन है, और फॉर्मिंग स्टेशन के बाद ये ग्रिप एंड पुल टेक्नोलॉजी है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी यूनिक थिंग्स हमारे मशीन की। और जैसे एम्प्यूल्स देख रहे हो, सिरिंजेस होती है, इंजेक्शंस होते हैं, वो इस मशीन में पैक कर सकते हैं। ये दिस इज़ हाईली कस्टमाइजेबल, अगर कस्टमर को अगर दो मैकेनिज्म से प्लेस करना तो वो भी हम कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू CPHI 2022। मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो फार्मा इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारे मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। आज इन्हीं से बात करवाने वाला हूं। अगर आप इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं या इस तरह की मशीन्स की ज़रूरत है, इन वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? वेरी गुड सर, थैंक यू। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर आप? मेरा नाम विरल है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एट एक्यूपैक। एंड एक्यूपैक एक 21 साल पुरानी कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल में ब्लिस्टर पैकिंग मशीन्स बनाती है। पैकिंग मशीन्स के अलावा जो हम जो भी दवाई लेते हैं, कैसे पैक करते हैं, कितने मशीन्स है, हमारे टोटल 7 मशीन्स है, और ऑल ओवर ग्लोबली हम लोग ने 5 साल में सबसे ज़्यादा मशीन्स इंस्टॉल किए, तकरीबन 450 मशीन्स इंस्टॉल किए। एंड वी आर प्राउड टू से दैट इतने कम समय में हम लोग ने 450 मशीन्स इंस्टॉल किए, वी आर द बिगेस्ट नेम इन द इंडस्ट्री नाउ। और उसके अलावा हम लोग जो मशीन्स है, हमारे कॉम्पिटिटर के मशीन्स के पार्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। अच्छा, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स अबाउट एक्यूपैक। ऑफिसेज कहाँ है, कहाँ से आपकी मैन्युफैक्चरिंग? हमारी ऑफिस HO नवी मुंबई, मुंबई में है, और हमारे लोकल सर्विस इंजीनियर्स हर ऑल ओवर द ग्लोब है। बाकी हमारा लोकल सर्विस सपोर्ट है, ग्लोबली है, हम हर जैसे इंडिया में भी अगर बोलते हैं तो वी हैव रेसिडेंट सर्विस इंजीनियर्स एंड लोकल सेल्स पीपल जो हमारे कस्टमर्स को कैसे सर्विस देना है, क्या है सेल्स वगैरह के लिए, दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन देयर डोर। तो यहाँ पर आपने काफ़ी मशीनरीज शोकेस किए हैं, मशीन्स के बारे में देख लेते हैं, वर्किंग क्या रहता है और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ क्या रहती है? श्योर। सो जैसे हमारा जो भी हम सिरिंज वगैरह लेते हैं, दवाई खाते हैं, इंजेक्शंस रहते हैं, तो उसके लिए ये एक हमारी मशीन है जिसका नाम है ग्रेविटी। उसके अलावा टैबलेट्स वगैरह के लिए अलग अलग है, हर मशीन अलग होती है स्पीड के हिसाब से, और जो पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है उसके हिसाब से हम मशीन डिज़ाइन करते हैं, और कस्टमर हर एक मशीन अलग होती है, नो मशीन इज सेम। सो कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे हम कस्टमाइज़ करते हैं और मशीन कस्टमर्स को देते हैं। दिस इज़ आर ग्रेविटी मशीन, इसमें अगर आप देखेंगे तो लीडिंग फॉइल है, ठीक है, और यहाँ स्लाइस केबल है। दिस इज़ द प्री हीटिंग स्टेशन, प्री हीटिंग के बाद फॉर्मिंग स्टेशन है, और फॉर्मिंग स्टेशन के बाद ये ग्रिप एंड पुल टेक्नोलॉजी है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी यूनिक थिंग्स हमारे मशीन की। और जैसे एम्प्यूल्स देख रहे हो, सिरिंजेस होती है, इंजेक्शंस होते हैं, वो इस मशीन में पैक कर सकते हैं। ये दिस इज़ हाईली कस्टमाइजेबल, अगर कस्टमर को अगर दो मैकेनिज्म से प्लेस करना तो वो भी हम कर सकते हैं। और पूरा यहाँ पे फीडिंग है, फीडिंग चैनल है यहाँ पे, यहाँ पे हर एक मशीन इंडिविजुअली एम्प्यूल्स प्लेस किए जा रहे हैं। प्लेस करने के बाद यहाँ पे हमारा विजन इंस्पेक्शन कैमरा भी है, जैसे जो बताएगा कि हर एक मशीन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है यहाँ पे इंजेक्शन तो बाहर निकलेगा, वरना यहाँ से क्वालिटी चेक हो जाएगा, क्वालिटी चेक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा वो। अच्छा। फिर एंड में दिस इज़ द कूलिंग स्टेशन, फॉर्मिंग के बाद तुरंत ठंडा करते हैं ताकि वो हीट अप हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है और स्टिक अच्छे से होता है। अच्छा। फिर दैट इज़ द एंड। और इस तरह से यहाँ पर ये तैयार हो के आ जाएंगे, ये पैक होके आते हैं, पैक मटेरियल आ जाएंगे। सो ये पूरा स्पीड के ऊपर ही है मशीन, जो कस्टमाइजेबल रहता है, कस्टमर्स को जैसा चाहिए वो हिसाब से हम करवा देते हैं। अच्छा, वो आप अपने रिक्वायरमेंट देखें और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ कर देंगे। जैसे अगर टेस्ट मशीन के बारे में बात करें तो ये टैबलेट पैकिंग मशीन है, अगर हम चेक करोगे तो जैसे उसमें सिरिंजेस वगैरह थे, इसमें टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आप टैबलेट पैकिंग कर सकते हैं। यस, इसमें भी अगर हमारा देखेंगे तो यहाँ पे फीडिंग चैनल है एंड पूरा रोल होके, सो अलग अलग फॉर्मिंग स्टेशन होते हैं, अलग अलग मटेरियल पैक होता है, तो वो हिसाब से मशीन कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कौन सा मशीन लेना है, एंड द एंड ऑफ द रिजल्ट यू गेट अ सॉलिड जिसका पैक विच इज़ लाइक जो चाइल्ड रेजिस्टेंस के हिसाब से और जैसा चाहिए वैसे ये आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, थ्रूली डिज़ाइन इन यूरोप एंड स्मार्टली इंजीनियर, तो हमारे हर एक मशीन यूरोप में डिज़ाइन होते हैं, इटली में, वी हैव अ डिज़ाइन टीम इन इटली, एंड देन हम बनाते हैं इंडिया में ताकि कस्टमर्स को यूरोपियन मशीन मिलता है एट इंडियन प्राइस। अच्छा।
यूरोपियन स्टैंडर्ड का होगा बट इंडियन प्राइस में। जैसे सर अगर इंस्टॉलेशंस की बात करें और आप कस्टमर को अप्रोच करते हैं किस तरह से अप्रोच करते हैं? सो एग्जीबिशंस है, वी हैव आवर सेल्स इंजीनियर्स ऑल ओवर द ग्लोब। हमारे सेल्स इंजीनियर्स जैसे नॉट ओनली इन इंडिया बट स्प्रेड ऑल अक्रॉस द एजेंट्स, हमारे एजेंट नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है जो हमारे मशीन्स प्रमोट करते हैं इन एग्जीबिशंस ग्लोबली। एग्जीबिशंस है, सेल्स नेटवर्क है तो उससे, एंड अभी नाउ एक्यूपैक इज अ बिग नेम इन द मार्केट सो हम लोग को एनी व्हिच वे वेबसाइट्स वगैरह से भी। सर अगर कोई इस तरह की इंडस्ट्रीज में आना चाह रहे हैं और उनको मशीन्स की ज़रूरत है तो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे आप? आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो थ्रू आर वेबसाइट, कर सकते हैं कार्ड सर। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? थिंक पैकेजिंग, थिंक एक्यूपैक, दैट्स इट। अच्छा चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद।